क्लास थ्री स्टूडेंट्स, इसके पहले तुम लोग को वर्णमाला किसे कहते हैं, पर्ण किसे कहते हैं, ये सब सिखाया। आज सुनो संयुक्ताक्षर, ये क्या है? यक्षा त्रा ज्ञा। तक्षा क्या कैसे होता है? क प्लस तिकटश से क्या होता है? क्ष, जैसे कक्षा। त्रा कैसे होता है? त प्लस रा। त्रा ये इससे क्या होता है? पत्रा। ज्ञा कैसे होता है? ज प्लस अंग। ज्ञा इससे क्या होता है? ज्ञानी। ठीक है, और देखो आधा श पूरा त, उससे क्या होता है? स्त। अस्त मस्त, अस्त मस्त, चुस्त। आधा च पूरा छ क्या होता है? छ अच्छा। सुनाए, इसके बाद देखो द्वित्त व्यंजन, ये क्या है? एक ही अक्षर दो बार व्यवहार होता है, जैसे पत्ता गन्ना। आधा त पूरा त से क्या होता है? पत्ता। आधा न पूरा न से क्या होता है? गन्ना। और क्या द हलंत द क्या होता है? रद्दी गद्दी ऐसे होता है। आधा च पूरा च से क्या होता है? बच्चा कच्चा। आधा का पूरा का से क्या होता है? पक्का मक्का। सुनाए, तो आज यहीं तक पढ़ो, तो दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। और तुम चैप्टर के पीछे जो अभ्यास है वो एक कॉपी में होमवर्क करना, ठीक है? यही तुम्हारा काम है।